समुद्री क्षेत्रों में आज से निसर्ग तूफान की दस्तक होगी, जिसका असर मध्य प्रदेश के इंदौर में भी दिखाई देने की संभावना है। इसी के चलते आज इंदौर सांसद शंकर लालवानी और कलेक्टर मनीष सिंह ने आपातकालीन बैठक बुलाई। इंदौर और संपूर्ण मध्य प्रदेश में तूफान आने वाले 24 घंटों में भारी बारिश और तेज हवा से दस्तक दे सकता है। कलेक्टर सिंह ने इंदौर में सभी स्तर की तैयारियों को लेकर प्रशासन को अलर्ट करने और आपदा टीमों को मुस्तैद रहने के आदेश दिए हैं। इस बीच इंदौर कलेक्टर और इंदौर सांसद ने लोगों से अपील की है कि अपने घरों से ना निकले और सुरक्षित रहें। इंदौर से राकेश सच्चा के साथ मंथन सेन की रिपोर्ट। घर पे भी रह सकते हैं अगर आवश्यक है, तो जब तूफान वाला टाइप का मौसम दिखे तो सुरक्षित जगह पर चले जाएं, और ये हमेशा संभावना रहेगी कुछ ही उड़ के ना लग जाए कोई, अगर तेज तूफान आता है कोई। एग्जैक्टली इंटेंसिटी कितनी रहेगी रेनफॉल, इसकी रेनफॉल की और तूफान की अभी जो बतलाया है 50 से 60 किलोमीटर और हैवी, कई लोकलाइज्ड हैवी इंटेंसिटी रेनफॉल, वो कल तक बदल भी सकती है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, तो वो जैसा भी स्थिति रहेगी पर एहतियात रखना जरूरी है। विमानतल बड़ा सेंसिटिव एरिया रहेगा, क्योंकि वो बिल्डिंग एक ऐसे डिज़ाइन है, एयर वैक्यूम क्रिएट हो सकता है कुछ ऐसा, हम उसको विशेष प्रिकॉशन उस पर रखें। एयरपोर्ट डायरेक्टर मैडम बैठी हुई हैं और उनसे भी चर्चा हो गई है पूरी, उन्होंने सारे प्रिकॉशंस ले लिए हैं। उनके यहाँ 4 बजे आज बैठक भी रखी है उन्होंने, सारे दरवाजे पैक करने हैं उनको, उनके यहाँ पे जितना भी लूज मटेरियल रहता है जो हवा से इन्फ्लुएंस से अफेक्ट कर सकता है बिल्डिंग को, उन्होंने वो भी हटाने का पूरा निर्देश दे दिए हैं। साथ ही कुछ निर्माण कार्य चल रहा है वहाँ पर रनवे का, रनवे के पास में, वो भी कल निर्माण कार्य पूर्ण रूप से बंद रहेगा। प्रिकॉशंस मैडम ने पूरे ले लिए हैं और 4 बजे आपने बैठक भी रखी है मैडम ने, और उसमें भी और बचे हुए प्रिकॉशंस रहेंगे, अधिकारी भी जाएंगे हमारे यहाँ से, उसमें अन्य प्रिकॉशंस भी ले लिए जाएंगे। सर, इससे अलग हट के जो छूट दी गई है, इसमें ये देखने में आ रहा है कि कुछ ऐसे दुकानदार जिन्हें अनुमति नहीं है वो लोग भी इस छूट का फायदा संभावना। निसर्ग तूफान की जो है, मेरे अभी बॉम्बे को स्ट्राइक कर गया होगा या करने वाला होगा, इसमें ये बोला गया है कि वहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्ट्राइक करने वाला है, उसका कुछ डाइल्यूट होगा ये, तो फिर भी इसका इम्पैक्ट इंदौर तक आ रहा है, उज्जैन संभाग के भी कुछ जिलों में जा रहा है, होशंगाबाद संभाग के जिलों में जा रहा है, भोपाल संभाग के जिलों में कुछ जा रहा है। इंदौर में इसका प्रभाव रहेगा कल, और कितनी हर घंटे में इसका कुछ एक साइकिल भी रूट चेंज होता है, इंटेंसिटी के बारे में पता चलता है, तो ग्रेजुअली वो सब चीज़ें हम लोग टच में हैं। फिर भी प्रिकॉशनरी जो अभी बोला गया था, आज जो मेरी डायरेक्टर से मेट्रोलॉजिकल से भोपाल में बात हुई है कि 50 किलोमीटर से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, और कहीं कहीं पर बड़ी तेज इंटेंसिटी से रेनफॉल, पानी गिरने की भी संभावना है, तो उन सब के प्रिकॉशनरी हम लोगों ने आज एक एहतियाती तौर पर पूरी मीटिंग बुलाई थी। इसमें नगर निगम था, होमगार्ड, पुलिस, बिजली विभाग, डिस्कॉम के अधिकारी थे, कृषि विभाग के अधिकारी थे, सभी ADMs थे हमारे, इनको पूरे निर्देश दिए गए हैं। कल से नगर निगम 10 बजे के बाद से पूरी तैयारी से रहेगा, हर जोन में कहीं पेड़ गिरता है, कुछ होता है, JCB मशीन्स डिप्लॉयड रहेंगी कंट्रोल रूम में भी, जोन्स में भी, होमगार्ड की SDRF टीम भी 4 गाड़ियों में डिप्लॉयड रहेगी नगर निगम कंट्रोल रूम में, पुलिस के सभी अधिकारी 10 बजे के बाद से हाई अलर्ट में रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत होती है तो अपने क्षेत्रों में रहेंगे, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो ADMs हैं उनको निर्देश दिए गए हैं सब चीज़ों का ध्यान रखें। बिजली विभाग के SC रूरल भी आए थे, SC सिटी भी थे, उनको भी निर्देश दिए हैं जहाँ भी ऐसे तार हैं जिससे कि अगर कोई आंधी तूफान आता है उससे कोई जान माल का खतरा हो सकता है, तो 10 बजे के बाद से ही वहाँ का एरिया की लाइट जो है वो जनता के सुरक्षा के हिसाब से उसको ट्रिप कर दें, अभी बंद कर दें, और जब भी निकल जाए उसके बाद ही चालू करें, ताकि ऐसी कोई परिस्थिति निर्मित नहीं हो कि किसी बिजली के वायर में इलेक्ट्रिफाइड है और उसमें हवा तूफान से कोई हादसा हो जाए। ये सब प्रिकॉशन लेने के लिए बोले गए हैं। बिजली विभाग ने लगभग शहर में 80% मेंटेनेंस वर्क्स कर दिए हैं, ग्रामीण में 90% वर्क्स बतलाए इन्होंने कर दिए हैं, तो जिस प्रकार का एक्सटेंट ऑफ मेंटेनेंस वर्क्स बिजली विभाग ने बताए हैं तो उससे लाभ मिलेगा, उससे कोई बहुत ज़्यादा ऐसा बिजली जाने की संभावना नहीं रहेगी। फिर भी प्रिकॉशनरी बिजली विभाग भी पूरा मुस्तैद रहेगा, उसकी भी जो फील्ड मेंटेनेंस टीम्स हैं कल 10 बजे से पूरे फील्ड में रहेंगी, और जैसा माननीय सांसद जी ने बोला है, मैं भी ये शहर के रहवासियों से अनुरोध करूंगा कि 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक के बीच का, अभी आज की इन्फॉर्मेशन है जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, कल वो शहर में आ सकता है ज़िले में, उस समय थोड़ा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। कई बार लूज मटेरियल सड़कों के किनारे या दुकानों में रखे रहते हैं, राहगीर जब चलते हैं तो तेज हवाओं से वो उड़ के लगते हैं, वो थोड़ा प्रिकॉशन रख के लोग रहें, अगर बहुत आवश्यक नहीं हो तो आप घर पर भी। तीव्रता कितनी होगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन सामान्य तौर पर
70 से लेकर 50 एक्सपेक्टेड है, पर ये डिपेंड करता है कि यहाँ आते आते उसकी इंटेंसिटी कितनी रहती है। लेकिन फिर भी प्रिकॉशन के तौर पर जिला प्रशासन ने आज बैठक ली, सभी विभाग के अधिकारी यहाँ थे, खास करके पुलिस, फायर ब्रिगेड, नगर निगम, खाद्य विभाग और होमगार्ड, जो सब चीज़ों को देखते हैं। और जिलाधीश महोदय ने निर्देश दिए किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं हो, सब सवेरे से मुस्तैद रहेंगे अपने अपने क्षेत्रों में। मैं आपके माध्यम से जनता से अपील करना चाहूँगा कि संभावना है कल 12 से 1 बजे के बीच में यहाँ तेज़ हवाएं चलें, तो कल सुबह 10-11 बजे घर से ना निकलें और दोपहर तक इसका इंतजार, यानी दोपहर तक हो सकता है हमारे यहाँ तेज़ हवा भी चले। तो मेरा आपसे निवेदन है सभी जनता से कि वो घरों में रहें, शाम के बाद ही, मौसम देखने के बाद ही वो घरों से निकले तो ज़्यादा अच्छा है। तेज़ हवा भी चल सकती है और बारिश भी हो सकती है, तो सब अपना अपना ध्यान रखें और सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।